ओके सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज थे, इसकी वजह से थोड़ा लेट जॉइन किया मैंने. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कल का कुछ टॉपिक बचा था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. लेट मी शेयर द पीडीएफ फर्स्ट. तो व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, हमने एरेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था. तो हम लोग, मैं थोड़ा सा एक यूनिट नंबर 5 भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, AWD एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी. तो ये हम लोग सब कल पढ़ चुके थे, ठीक है. ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले, CT = CS - CS - CO, ये वाला फॉर्मूला. एंड मोर स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मूला याद रखना, CS - CT / CS - CO e^KLa×T, ठीक है. ए आपका KLa होता है ओवरऑल लिक्विड फिल्म कोएफिशिएंट, CT आपका होता है, CT is called as the concentration of that particular oxygen or oxygen in time t. CA होता है saturation constant, ठीक है, saturation concentration. और C जो होता है initial concentration that is present, okay. उसके बाद आपका ये चीज मैंने करवा दिया था last class में, ये भी चीज मैंने करवा दिया था, ठीक है, ये formula भी याद रखना, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग आज types of aerators के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो हमने अभी तक एरेशन का प्रोसेस क्या होता है दैट वी स्टडीड, ठीक है. एरेशन का प्रोसेस क्या होता है दैट वी स्टडीड, ठीक है. एरेशन का प्रोसेस, ठीक है, वो हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है. फिर एरेशन के प्रोसेस से, प्रोसेस के बाद व्हाट वी हैव स्टडीड नेक्स्ट, ठीक है, क्या स्टडी किया उन्होंने. फिर हम लोगों ने एरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, नीड किया उसको, वो पढ़ा, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि एरेशन कितने टाइप्स के होते हैं. नहीं, आज SWM का लेक्चर नहीं है, ठीक है, आज नहीं है, मंडे को होगा डायरेक्टली. सो यस, टाइप्स ऑफ एरेटर्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरेटर्स, ठीक है, दो टाइप्स के एरेटर्स आपके होते हैं, ठीक है. दोस फॉर्मिंग ड्रॉप्स और थिन शीट्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि ड्रॉप्स बन सकता है. एंड जो थिन शीट्स ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमोसफेयर, दैट इज वाटर इज मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोसफेयर. मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम रहेगा जिसमें आप क्या करोगे, वाटर को एयर के, वाटर को जो है आपके, आपके वाटर को एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में लेके आ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वाटर को अगर ऐसा रख दिया, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर मेरे वाटर का फ्री सरफेस ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर एयर है, ठीक है, अगर मैंने डायरेक्टली इस वाटर के सर्फेस को अगर एयर से एक्सपोज करवा दिया, सो दैट सिस्टम डायरेक्टली एक्सपोज करवा दिया, ठीक है. सो उस तरह के सिस्टम को हम, उस एक तरह का वो सिस्टम जिसमें क्या क्या बदली, जो ड्रॉप्स रहता है आपका, वो आपका डायरेक्टली एयर के एक्सपोज में आता है, डायरेक्टली एयर के साथ एक्सपोज होता है, ठीक है, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है. सो एक तो ये ऐसा सिस्टम होता है. दूसरा आपका सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, दोस फॉर्मिंग स्मॉल बबल्स ऑफ एयर विच फ्लाइज इन द वाटर. मतलब कि एयर में उसको बबल, एयर में जो बबल्स ऑफ एयर है वो बनता है एंड उसको हम लोग वो राइज करते हैं वाटर में. फॉर एग्जाम्पल कैसा रहता है कि वाटर जो रहता है, वाटर को वाटर इज मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एटमोसफियर. रिपीट कैसे हो गया, वाटर नहीं हो गया पे, एयर इज मेड गलत हो गया, सॉरी, एयर इज मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, एयर इज मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है कि एयर जो है, एयर को आपको वाटर के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, ठीक है. पहले सिस्टम में क्या होता है, वाटर को एयर के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है एंड एयर को वाटर के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, ठीक है ना. अब वो एयर को वाटर के कॉन्टेक्ट में आप कैसे ला सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये वाटर है ना. अगर मैंने यहाँ पे अगर कोई सिस्टम बना दिया ऐसा, ठीक है, कोई सिस्टम बना दिया ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे मान लो कंप्रेसर है, अगर कंप्रेसर या ब्लोअर है, अगर मैंने इस ब्लोअर को ऑन कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको ऑन किया तो जो ब्लोअर का जो एयर के बबल्स रहेंगे, एयर के बबल्स, तो ये वाटर में ऐसे आएंगे. तो हमने एयर को वाटर के कॉन्टेक्ट में लाया, वाटर को एयर के कॉन्टेक्ट में लेके, दैट इज कॉल्ड एज द, एक तो ये सिस्टम है, तो दो तरह के सिस्टम होता है, ठीक है. तो जो पहले वाले सिस्टम में, पहले वाले सिस्टम में कितने टाइप के एरेटर होता है, एक तो होगा स्प्रे एरेटर, एक तो होगा ट्रे एरेटर, एक तो होगा कैस्केड एरेटर. कैस्केड एरेटर जो आपने देखा, आपने जो वागुरु ट्रीटमेंट प्लांट में देखा होगा, जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट होगा घर के पास में होगा, ये वाला एरेटर, कैस्केड एरेटर आपने देखा होगा. इस तरह से देखो, इस तरह से आपका एक एरेटर होता है, ये आप देखोगे, देखो इस तरह से एक सेंट्रल सिस्टम होता है, फिर से स्टेप के फॉर्म में होता है, देखो स्टेप की कॉन्क्रीट के स्टेप्स होते हैं, 10-12 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेप्स के फॉर्म में होता है, स्टेप्स होते हैं. एंड पानी जो होता है, ये सेंट्रल पाइप यहाँ पे होता है, ठीक है, ये सेंट्रल, हम इसके डिजाइन में पढ़ेंगे, यहाँ से सेंट्रल पाइप आता है, फिर सेंट्रल पाइप से पानी जो होता है, सेंट्रल पाइप से पानी जो होता है वो अंदर ऐसे जाता है, ठीक है,
सेंट्रल पाइप से पानी जो आपका पानी रहता है जो सोर्स रिवर से आता है तो फिर ऐसा फवारों की तरफ बहता है फाउंटेन की तरह एंड वो स्टेप फिर वो स्टेप से भी पानी ऐसा निकलता रहता है ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड एज द कैस्केड एरेटर. तो इसको इसका हम लोग डिजाइन जो करेंगे कैस्केड एरेटर का भी करेंगे स्प्रे का भी करेंगे एंड ये एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. इसका डिजाइन पूछा जा सकता है एग्जाम में ठीक है. और मैकेनिकल एरेटर और मैकेनिकल एरेटर तो ये चार टाइप के एरेटर है वो ये टाइप वन में आता है. मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें आप कैस्केड एरेटर में देखते हो कैस्केड एरेटर में आप वाटर को एयर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो आप एयर को वाटर कॉन्टेक्ट में लेते नहीं हो ठीक है. तो ये होता है टाइप वन. एंड जो डिफ्यूज एरेटर होता है डिफ्यूज एरेटर जिसमें आप एयर को वाटर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो ठीक है. जो एयर को वाटर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो ठीक है ना. जो दूसरा टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज एरेटर. तो आपने अभी हम लोग नासिक गए थे आप लोग कुछ पिछले सेमेस्टर में ठीक है ना. पिछले सेमेस्टर में लोग नासिक गए थे सिक्स सेमेस्टर में आप लोग थे नासिक गए थे. नासिक में हम लोगों ने देखा था एक एरेटर देखा होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोगों ने एरेटर को देखा था जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था. हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो गए थे हम लोग नासिक में एक ट्रीटमेंट प्लांट में गए थे तो उसमें देखोगे कि डिफ्यूजर्स थे. तो उसमें क्या था ब्लोअर को हमने ऑन किया तो फिर वो एयर होता है वो एयर आपको बबल्स दिख रहे होंगे वाटर में ठीक है ना. जो बबल्स के साथ है वो आपके आर्टिफिशियल एरेटर से आता है ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज एरेटर. ये जो डिफ्यूज एरेटर होता है हम इसको जनरली जो होता है डिफ्यूज एंड मैकेनिकल जो दोनों है इसको हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम इसको यूज करते हैं ठीक है. हम लोग इसको इसमें यूज नहीं करते वाटर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है. वाटर ट्रीटमेंट मैक्सिमम इंडिया में कैस्केड एरेटर ज्यादा यूज करते हैं एंड कई जगह पे स्प्रे एरेटर हम लोग यूज करते हैं ठीक है. ओके स्प्रे एरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. स्प्रे एरेटर जो है जो आपका स्प्रे एरेटर होता है स्प्रे एरेटर टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर स्प्रे करना ठीक है. मतलब कैसा होता है कि आपका स्प्रे एरेटर जो होता है जैसे आपको स्प्रे करना जैसे फॉर एग्जांपल फाउंटेन है यहाँ से आप वाटर को स्प्रे करोगे ठीक है. इस तरह तो ये आपको होता है स्प्रे एरेटर ठीक है. तो ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है आपको यहाँ पे नोजल का मतलब समझ में आया नोजल ठीक है. आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में नोजल पढ़ा होगा ठीक है. तो ये नोजल का कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड होता है ठीक है. तो इसमें जो वाटर को स्प्रे किया जाता है स्प्रे वो नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये नोजल रहेगा देखो ऐसा एक तरह से पाइप रहता है और ऐसा कुछ ऐसा रहता है एंड ऐसा कुछ शेप रहता है नोजल का. आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा नोजल का ठीक है. तो ये ऐसे नोजल को रखते हैं ठीक है वर्टिकल रखते हैं या इंक्लाइन रखते हैं ठीक है. फिर नोजल को ऐसे अपवर्ड छोड़ा जाता है ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है फिर ऐसा इसके लिए रिलीज होता है ठीक है ना फाउंटेन बनता है ठीक है. सो वाटर इज स्प्रेड थ्रू द नोजल अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ठीक है. फिर उसको ब्रोकन अप इनटू आइदर मिस्ट और ड्रॉपलेट्स. तो आइदर वो मिस्ट या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो बाहर निकलता है ठीक है. वाटर इज डायरेक्टेड वर्टिकली और एट अ स्लाइट इंक्लिनेशन. चाहे वो इसको जो वाटर होता है इसको ऐसा वर्टिकली छोड़ सकते हो या उसका स्लाइट इंक्लिनेशन जो कि कम से कम 3 degree to 5 degree के आसपास इंक्लिनेशन होता है उसका. मैं आपको जब डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा इसका जब डिजाइन कराऊंगा इसका तो डिजाइन क्राइटेरिया भी इसका मैं दिखा दूंगा. थोड़ा थोड़े डिजाइन क्राइटेरिया इसमें होंगे भी ठीक है. तो डिजाइन क्राइटेरिया होते क्या है वो आपको याद रखना है ठीक है. वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या कहीं भी आपको एग्जाम्स में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या कोई भी आपके इस एग्जाम से पूछे जा सकते हैं ठीक है. सो 3 degree to 5 degree ISA 2 में भी पूछे जा सकते हैं कि 3 degree to 5 degree आपको होता है उसका इंक्लिनेशन होता है ठीक है. एंड वाटर इज रिलेटेड वर्टिकल स्लाइट इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ठीक है. तो इतना वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन होता है ठीक है. द इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रेस ठीक है. तो उसमें ट्रेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे. नोजल्स होते हैं पाइप ग्रेड विद नेसेसरी आउटलेट अरेंजमेंट्स ठीक है. तो उसमें क्या होता है जनरली इंस्टॉलेशन में ट्रेस होते हैं. ट्रेस के अंदर फिक्स नोजल्स होते हैं वो नोजल से पानी निकलता है ठीक है. और उसमें कुछ नेसेसरी आउटलेट्स भी अरेंजमेंट्स भी रहते हैं ठीक है. जो नोजल्स होते हैं नोजल्स ठीक है उसके हमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो याद तो रखने पड़ेंगे बिकॉज कैसे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे बिकॉज जैसा है कि आपको डिजाइन करना है तो आपको थोड़े बहुत वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे ठीक है. तो नोजल का जो डायमीटर होता है वो 10 to 40 mm ठीक है. 10 to 40 mm का डायमीटर रहता है ठीक है. और स्पेस उसकी जो स्पेसिंग रहती है पाइप में ठीक है वो स्पेसिंग रहती है मैं जो सर्कल कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. 0.15 to 1 meter या इससे भी ज्यादा रहता है ठीक है. इसका इसका स्पेसिंग इतना रहता है मतलब कि नोजल की जो स्पेसिंग रहती है वो 1 meter की स्पेसिंग रहेगी या 0.5 meter की स्पेसिंग रहेगी ठीक है. और 10 to 40 mm की उसकी डायमीटर रहेगी ठीक है. फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ जो करोजन रेजिस्टेंट नोजल होता है और सब टाइम प्लेन ओपनिंग पाइप सर्विंग एज ओरिफिसेस आर यूज्ड ठीक है. जो ओरिफिसेस होते हैं ना ओरिफिसेस वो भी कभी 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 हम लोग क्या करते हैं कभी कभी हम लोग एज अ स्प्रे एरेटर में उसको हम यूज कर सकते हैं ठीक है. स्पेशल टाइप जो करोजन रेजिस्टेंट नोजल्स भी रहते हैं उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जो प्रेशर होता है प्रेशर प्रेशर रिक्वायर्ड द नोजल हेड इज यूजुअली 7 meter ऑफ वाटर ठीक है. जो प्रेशर हमको चाहिए नोजल हेड पे वो हमको 7 meter ऑफ वाटर चाहिए मतलब 7 meter ऑफ वाटर का हेड चाहिए. बट प्रैक्टिस में जो हम लोग लेते हैं जो उसकी वैल्यू रहती है जो 2 to 9 meter के आसपास उसके हम लोग लेते हैं मतलब 2 to 9 जनरली 7 लेते हैं
बट 200 मीटर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जो डिस्चार्ज रेटिंग रहता है, डिस्चार्ज रेटिंग जो डिस्चार्ज जो नोजल में होना चाहिए, जो नोजल की डिस्चार्ज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 18 to 36 मीटर क्यूब पर आर, इतनी उसकी डिस्चार्ज होगी। जो नोजल से पानी निकलेगा उसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी वो 18 to 36 मीटर क्यूब पर आर। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। एंड यूजली जो एरेटर एरिया होता है, देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन टैंक में सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट सेम ये भी इसके ऐसी है, ठीक है ना, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आर। तो ये एरेटर एरिया जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, 0.03 to 0.09 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आर ऑफ डिजाइन फ्लो प्रोमिनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को अगर एरेटर का एरिया निकालना है कि कितने एरिया में वो एरेटर रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डिस्चार्ज रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 18 मीटर क्यूब पर आपका डिस्चार्ज है और आपका मान लो कि एरेटर एरिया जो है वो 0.03 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आ रहा है, तो अगर 0.03 को और 18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा उस एरेटर का कितना एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर में, वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक ऐसा वो रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी थोड़ा सोचा करो। तो ये जो भी मैंने सर्कल की है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें जो ये डिजाइन कर दिया है, जब मैं आपको न्यूमेरिकल जब मैं इसका डिजाइन कराऊंगा स्प्रे एरेटर का, तो उसका मैं डिजाइन कर दिया स्पेशली आपको एक स्लाइड पे या वर्ड फाइल में आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं उसका 6-7 डिजाइन कर दिया, वो 6-7 डिजाइन कर आपको याद रहेंगे तभी आप डिजाइन कर सकते हो। तो आपको डिजाइन जब आप डिजाइन करते हो आरसीसी में डिजाइन करते हो तो कुछ एज्यूम करते हो ना कि एज्यूम 5 नंबर ऑफ दिस, एज्यूम डायमीटर दिस, एज्यूम स्पेसिंग दिस, अब ऐसे एज्यूम करो तो आपको एजम्पशन जब करोगे तो वो काम आएगा आपको, ठीक है ना। समझ में आप लोगों को? तो ये स्प्रे एरेटर होता है आपके, ठीक है। तो स्प्रे एरेटर का फिगर आपने देखा होगा, तो इस तरह से जब ये नोजल होता है तो नोजल से पानी बाहर निकलता है तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये स्प्रे एरेटर, तो ये नोजल दिख रहे होंगे, तो नोजल के फॉर्म में ये पानी यहाँ से पानी निकलता है, ये नोजल है आपका, ठीक है ना। इस तरह से वर्टिकल रख सकते हैं या इस नोजल को थोड़ा बहुत इंक्लाइन भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन भी 3 डिग्री से 5 डिग्री का इंक्लिनेशन भी चलेगा, ठीक है। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ ड्रॉपलेट्स द हेड रिक्वायर्ड एंड द फ्लो फ्रॉम द नोजल, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो V इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला सीवी अंडर रूट 2gh, ठीक है। ये फॉर्मूला आई थिंक सो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो V होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप इमर्जिंग फ्रॉम द नोजल, उसका फॉर्मूला होता है CV into under root 2gh। ये CV का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और Q का फॉर्मूला होता है CD into A under root 2gh, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है CD into A under root 2gh, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मूला है, ये आपका Q का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपका एरिया होता है एरिया ऑफ नोजल, ठीक है, और Q होता है डिस्चार्ज रेट और 2gh आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको CD पता चल जाएगा। देखो Q क्या होता है, Q आपका होता है क्या एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई करने के लिए CD से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। CD इंटू क्यू थियोरेटिकल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू थियोरेटिकल क्या आएगा A इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है, 2gh। और ये 2gh जो आपका है 2gh ये आपका थियोरेटिकल वेलोसिटी है, क्या है थियोरेटिकल वेलोसिटी, h आपका हेड है, ठीक है। आपको टाइम निकालना है टाइम, तो आप टाइम कैसे निकाल सकते हैं 2cv अंडर रूट 2gh अपॉन x, 2h अपॉन x sin x, ठीक है। तो sin x आपका x होता है वो आपका होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ठीक है ना। sin x कैसा है, अगर आप नोजल को एज्यूम करोगे, ठीक है, तो 2cv है, ठीक है, 2cv अंडर रूट 2gh अपॉन g sin x, ठीक है। तो ये आपका एक मिनट, साइन एक्स आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। अब नोजल मैं आपको ये इसका बता दूंगा कि ये आया कैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका कंपोनेंट होता है ये आपका जहाँ पे, क्योंकि नोजल जो आपका होता है, अगर मैं मान लो कि अगर नोजल की जब नोजल से पानी निकलता है तो इस फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो आपका पानी जो रहता है वो वर्टिकल में आता है ना, तो वो वेलोसिटी का जो वी साइन एक्स जो होता है ना, वी साइन एक्स, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। That's why जो चीज है यहाँ पे, that's why आपको यहाँ पे जो दिख रही है वो आपको sin x यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना, कि क्या होता है। मैं आपका इसका डेरिवेशन कैसे आता है ये मैं आपको बता दूंगा जब क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने नोजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ऐसी सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है ना, कैसे याद है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये देखना पड़ेगा कैसे है। बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है कि ये वेलोसिटी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, वही यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्यू मैंने जितने भी नोटेशन से मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, सो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है। द वर्टिकल जेट जो होता है, द वर्टिकल जेट गिव्स द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर फॉर टाइम दैट इज इन आर
2 seconds for a head of 6 meter. तो जो longest exposure time जो होता है वो 2 seconds का होता है, अगर ये जो exposure time जो jet का मुझे देता है 2 seconds का होता है, अगर 6 meter का head रहता है, ठीक है, और inclined jets का जो less interference होता है, ठीक है. फिर बाद में एक और चीज याद रखना, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड का भी इंटरफेरेंस होता है इसमें, ठीक है ना. विंड के जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर आप नोजल्स को अगर आप पानी स्प्रे हो रहा है तो विंड की ट्रेजेक्ट्री, तो विंड वेलोसिटी भी इफेक्ट करता है, ठीक है. विंड जो ईस्ट ड्रॉप के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है. एंड अलाउंस उसके लिए जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए भी अलाउंस देना पड़ता है, ठीक है. यह हमें लगता है तो डायमेंशन ऑफ ट्रे मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड टू इंश्योर दैट नो वाटर इज लॉस्ट बाय कैरी अवे, ठीक है. The size, number, and spacing of nozzles, aeration time, interference with the adjacent space, already explained, are also the factors governing the aeration efficiency. तो ये जो क्या होता है, size of tray, number, spacing, ये सारी चीजें इसके ऊपर depend करता है, ठीक है. A spray aerator is usually quite different with respect to gas transfer, and जो spray aerator आपका होता है, वो 70-90% carbon dioxide, जो हम लोग निकालते हैं, carbon dioxide जो main जो intention होता है aeration का, तो 70-90% carbon dioxide और 90-90% जो आपका होता है H2S निकाल सकता है, and add to the appearance of water treatment plant, ठीक है. तो ये काफी important होता है. बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए एरिया जो होता है काफी लार्ज एरिया लगता है, ठीक है, और काफी ज्यादा इसको हाउस करना में डिफिकल्ट है, एंड कभी कभी इसमें करोजन भी होता है और चोकिंग भी होता है, तो जिसके से इसको हम लोग ज्यादा यूज करते नहीं स्प्रे रेटर को, तो ये इसको भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. तो इसका जब डिजाइन आप करोगे डिजाइन, तो आपको एक पूरा एक एक्सपोजर को मिल जाएगा. तो मैं आपको मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं डिजाइन कराऊंगा इसका, ठीक है. मंडे को मैं इसका स्प्रे रेटर का और कैस्केड रेटर दोनों का डिजाइन करवा दूंगा, तो दोनों मंडे के क्लास में अराउंड कराऊंगा 10 AM को, 10 AM का क्लास दूंगा, एंड सॉलिड वेस्ट क्लास 1 PM को लूंगा, ठीक है. तो मंडे का क्लास करना ना भूलिएगा, मंडे का क्लास पक्का से पक्का करिएगा इसका, ठीक है. आज भी मैंने न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ. मल्टीपल ट्रे एरेटर्स, ठीक है. मल्टीपल ट्रे एरेटर्स क्या होता है, मल्टीपल ट्रे एरेटर्स आपका होता है, वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू अ राइजर पाइप, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ सीरीज ऑफ ट्रेस, ठीक है. एक पाइप होता है, एक पाइप से पानी आता है, फिर ट्रेस में गिरता है, ट्रेस समझ लो, स्टेप समझ लो, ठीक है. और कैस्केड एरेटर भी इसी जैसा है बिल्कुल, ठीक है. तो ये वाटरफॉल की तरह दिखता है, ठीक है, आइदर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स टू द बॉटम और ओवर द एजेस, ठीक है. वाटर इज कॉल्ड टू फॉल इनटू अ कलेक्शन बेसिन, फिर कलेक्शन बेसिन में फॉल होता है. इन मोस्ट एरेटर्स कोर्स मीडिया सच एज चोक स्टोन और सिरेमिक बॉल्स भी हम लोग यूज करते हैं, जो कि डायमीटर 50-150 mm का जो डायमीटर होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. देन आर प्लेस्ड इन द ट्रेस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है. तो क्या होता है कि अगर आपको एरेटर की एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो हम लोग स्टोन्स यूज करते हैं, सिरेमिक बॉल्स यूज करते हैं, जो कहाँ पे, वो बेसिन्स में. तो बेसिन्स की जो बेस में होता है, बेस में हम लोग स्टोन्स, कोक या कोल यूज करते हैं, या सिरेमिक बॉल्स यूज करते हैं, जिनकी डायमीटर इतनी होती है, जिससे क्या होगी आपकी एरेटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है. ट्रेज होता है वो 4 से 9 के आसपास होता है ट्रे, ठीक है. उनकी स्पेसिंग 300 से 750 mm होती है, ठीक है. और उनका जो अरेंज 1-3 meter हाई, तो 1-3 meter की हाइट इनकी रहती है, जो ट्रेज की हाइट रहती है, ठीक है. विद द मीडिया गुड टर्बुलेंस क्रिएटेड इज लार्ज एंड बाय द एडिशन ऑफ मोर ट्रेज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी, जितना ट्रेज ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना एरेशन एफिशिएंसी आपकी काफी ज्यादा होगी, ठीक है. स्पेस रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है, जो एरिया रिक्वायरमेंट एरेटर की होती है, वो उस एरेटर से काफी ज्यादा होती है. आप देखा हुए तो ये होती है 0.02 m² per m³ ठीक है, 0.013-0.04 होती है, ठीक है. और जो नेचुरल जो आपका एफिशिएंसी होती है वो 65-90% जो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, ठीक है. और 60-70% आपका जो है H2S निकालता है, या ऐसा बोलते हैं, ठीक है. तो अगर आप कंपेयर करोगे इसका एरिया, ठीक है, जो एरिया स्पेस रिक्वायरमेंट इसका, मल्टीपल ट्रे एरेटर्स का और इसका, अगर आप कंपेयर करोगे इसका, ठीक है, तो इसमें 0.03, ठीक है. तो 0.03 इसमें लगता है 0.132 लेके 0.0 कितना लगता है यहाँ पे 42, ठीक है. सो थोड़ा सा कम जो एरिया लगता है, कम मल्टीपल ट्रे एरेटर में एरिया कम लगता है इन कंपैरिजन टू. सबसे ज्यादा एरिया किसमें लगता है, सबसे ज्यादा एरिया लगता है अपने को इसमें, किसमें एरिया लगता है सबसे ज्यादा अपने को, तो लगता है स्प्रे एरेटर में, ठीक है. तो ये स्प्रे एरेटर कुछ ऐसा आपका दिखता है, ठीक है, मैंने आपको बताया फिगर में, ठीक है. तो आपका ये सेंट्रल फीडिंग पाइप रहेगा, हाँ, तो ये राइजर पाइप है, तो यहाँ से पानी स्प्रे होगा. ये आपके ट्रे रहते हैं, ये आपके ट्रेज रहते हैं, ये आपके ट्रे रहते हैं, ठीक है. ये आपके ट्रे रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे ट्रे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9 तक ट्रे प्रोवाइड कर सकते हैं. पानी इसमें आएगा, इसमें इसके बेस पे आप लोग स्टोन्स डाल सकते हो, ठीक है. पानी इसमें आएगा, फिर एरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो यहाँ से पानी से पोरस रहेगा, तो यहाँ से पानी पास होगा, पानी पास 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 होता होता है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है. इस तरह ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रे एरेटर्स, ठीक है. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैस्केड एरेटर, इसका भी डिजाइन देखेंगे, ठीक है. ट्रे एरेटर्स का लोग आप लोग ज्यादा पढ़ो, ठीक है. कैस्केड एरेटर्स जो होता है, कैस्केड एरेटर्स का डिजाइन देखने वाले, कैस्केड एरेटर्स एंड स्प्रे एरेटर्स, तो दो डिजाइन में कराने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना उसको, ठीक है. सो देखो, इन कैस्केड एरेटर्स वाटर इज हैड टू फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है. एंड आफ्टर स्प्रेडिंग ओवर द इंक्लाइंड सरफेस इन शीट्स एंड टर्बुलेंस इज सिक्योरिंग बाय अलाउइंग द वाटर टू पास थ्रू द स्टेप्स ऑफ वेसल्स, ठीक है. तो वाटर को पहले डाउनवर्ड्स फ्लो करता है,
फिर वो इंक्लाइंड सरफेस पे आता है, फिर वो स्टेप्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम लोग जनरली लेते हैं 4 से 6, कभी कभी 10 स्टेप्स भी लेते हैं, बट आपके जो वाटर ड्यूरेंट टनल में 4 से 6 होते हैं, आपके इसमें देखोगे 3, 4 से 5, कभी 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सपोजर टाइम होता है, जितना आपका इंक्रीज तभी कर सकते हो जो आप नंबर ऑफ स्टेप्स, जितना आप स्टेप्स बढ़ाओगे उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, ठीक है। और जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो भी काफी इंप्रूव होना पड़ता है। और जो हेड रिक्वायरमेंट होता है वो 0.5 से 3 मीटर होता है, ये हेड रिक्वायरमेंट होता है। और इसका जो स्पीड होता है 0.015 से लेकर 0.045, तो इसके लिए भी एरिया काफी ज्यादा लगता है, ठीक है। मतलब कि आपके ट्री एरेटर से भी ज्यादा एरिया कैसेड एरेटर के लिए लगता है, ठीक है। तो उतनी लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा। कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट्स में दिस एरेटर्स मस्ट बी हाउस विद एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन चाहिए। एंड करोजन स्लाइम प्रॉब्लम जो होता है उसको भी देखना पड़ेगा। इसमें जो रिमूवल द गैस ट्रांसफर एफिशिएंसी इज लेस कंपेयर्ड टू स्प्रे टाइप, ठीक है। इसमें जो गैस ट्रांसफर एफिशिएंसी जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जो परसेंटेज रहती है वो 20-45% इसमें रहता है। एंड 35% जो रहता है आपका इसमें रहता है H2S में रहता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कैस्केड एरेटर की एफिशिएंसी एरेटर की इसमें कम रहती है, दैट्स व्हाई स्प्रे एरेटर्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है कैस्केड एरेटर में एज कम्पेयर टू स्प्रे एरेटर, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो स्प्रे कैस्केड एरेटर की सबसे कम रहती है। तो ये कैस्केड एरेटर आपने देखा होगा, ये आपके सिस्टम, ठीक है, ये कैस्केड एरेटर होता है। तो ये स्टेप होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 स्टेप्स इसमें है। और ये यहाँ से नीचे से सेंट्रल पे जाता है, फिर ऐसे स्टेप्स में पानी निकलता है। तो आप ऐसे देख सकते हो, स्टेप्स में रॉ वाटर रहता है, फिर स्टेप से आता है, फिर यहाँ से एरेटर वाटर निकलता है। तो स्टेप से ऐसे ऐसे फॉल करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैस्केड एरेटर। नेक्स्ट आपका है डिफ्यूज्ड एरेटर, ठीक है। डिफ्यूज्ड एरेटर जो आपका होता है, ये आपका वाटरफॉल टाइप जो एरेटर होता है, जो आपका स्प्रे एरेटर होता है, स्प्रे एरेटर, ठीक है। तो उसका ये रिवर्स है, उसका ये रिवर्स है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरेटर कंसिस्ट ऑफ अ बेसिन इन विच परफोरेटेड पाइप्स पोरस ट्यूब्स, इसमें क्या होता है, परफोरेटेड पाइप्स इन कुछ पोरस ट्यूब्स हम लोग डालते हैं, और जिसमें क्या होता है, जिसमें फाइन बबल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्रेस्ड एयर के थ्रू रिलीज करते हैं, जो कि राइज करेगा वाटर में, वो एरेट करेगा। एज द राइजिंग बबल्स ऑफ द एयर हैव अ लोअर एवरेज वेलोसिटी देन द फॉलिंग ड्रॉप्स, ठीक है। तो जो फॉरेन ड्रॉप होता है उससे उसकी जो वेलोसिटी रहती है थोड़ी कम रहती है, ठीक है। डिफ्यूज एरेटर प्रोवाइड्स अ लॉन्गर एरेशन टाइम, ऑब्वियसली डिफ्यूज एरेटर में जो होता है लॉन्गर एरेशन टाइम होता है एज कम्पेयर टू द स्प्रे टाइप एरेटर, ठीक है। दिस हैव हायर इनिशियल कॉस्ट, इसमें कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है, ठीक है। एंड जनरली हम इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लोग यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। टैंक्स आर कॉमनली 3-4.5 mm डीप, ठीक है, ये इतनी डीप रहती है, इतना ये वाइड रहता है, ठीक है, 3-9 मीटर। और कंप्रेस्ड एयर इज इंजेक्टेड थ्रू सिस्टम टू प्रोड्यूस फाइन बबल्स, कंप्रेस्ड एयर इसमें डालते हैं, ठीक है। विच ऑन राइजिंग थ्रू वाटर प्रोड्यूस टर्बुलेंस रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअल चेंज ऑफ एक्सपोज सरफेस। इसमें रेशियो ऑफ वी टू डब्ल्यू होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। और डिटेंशन पीरियड जो होता है, जो इसमें डिटेन करते हैं 10-30 मिनट, ये सब टर्म आप लोग सुनोगे, डिटेंशन पीरियड क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड चेंजेस, दैट इज जो अमाउंट ऑफ एयर जो रहता है वो 0.016 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर में 0.06 to 1 meter cube of air लगता है उसमें, ठीक है। And the air diffusers are located on one side of the tank, and the power requirements जो होता है 3-13 watt per meter cube पर। तो ये सारे चीज़ याद रखना है आपको। हालांकि इसका डिजाइन में, इसका डिजाइन है नहीं, बट डिजाइन क्राइटेरिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एंड इसके जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सप्लेन डिफ्यूज जनरेटर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये सारे जो सर्कल मैंने करके रखे हुए ये चीज सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, या बाद में इसका रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके डिफ्यूज एरेटर होते हैं। तो यही सिस्टम आपने देखा होगा, अपन जब नासिक गए थे तो ये आपने देखा होगा इस तरह से बबल्स फॉर्म हो रहे थे। तो ये आपकी जो देख रहे हो ना, ये कंप्रेसर होते हैं, ये कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, ये कंप्रेसर, यहाँ से आप ऑन करते हो तो कंप्रेसर ऑन होता है, तो यहाँ पे सब बबल्स भी होते हैं। तो इस तरह का ये आपका ये फिगर आप बना सकते हो एग्जाम्स के लिए, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एयर शुड बी फिल्टर्ड बिफोर पासिंग थ्रू द पोरस डिफ्यूजर। तो एयर को फिल्टर करना पड़ता है, उसको फिल्टर करने के लिए हम ऑयल ट्रैप यूज करते हैं, ऑयल ट्रैप से हम एयर को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूज एरेटर रिक्वायर लेस स्पेस, ठीक है, इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है देन स्प्रे एरेटर्स, ठीक है। स्प्रे एरेटर्स और कैस्केड एरेटर्स से कम लगती है स्पेस, बट उसकी ट्रे एरेटर्स जो होती है, ट्रे जो मल्टीपल ट्रे एरेटर रहती है, उससे उसकी एरिया ज्यादा रहती है, ठीक है। कोल्ड वेदर प्रॉब्लम्स आर नॉट एनकाउंटर्ड, ठीक है। द एरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। जो कंप्रेसर पावर रिक्वायरमेंट होती है एयर फ्लो की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। P0WRT1/E P2/P1 = 1, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। इसमें आगे इसका मतलब क्या है, P पावर होता है, P1 एब्सोल्यूट इनलेट प्रेशर, P2 एब्सोल्यूट आउटलेट प्रेशर, R होता है गैस कॉन्स्टेंट, W होता है एयर मास फ्लो, E होता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एंड T होता है इनलेट टेम्परेचर।
ठीक है. अभी इरेजन तो छुट्टी हमने पढ़ लिया कि इरेजन ऑक्सीजन को सप्लाई करने के काम आता है, बट इसके लिमिटेशंस क्या है. ठीक है, इसके लिमिटेशन ये है कि दैट यूनिट ऑपरेशन जो आपका इरेजन का ही हो रहता है, ठीक है, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट हेड ऑफ वाटर. ठीक है, तो उसमें आपका सिग्निफिकेंट हेड ऑफ वाटर आपका रहता है. ठीक है, द वाटर इज रेंडर्ड मोर कोरोसिव आफ्टर इरेजन व्हेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इज इंक्रीज्ड दो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वाटर आपका रहेगा वो आपका करोसिव रहेगा. ठीक है, व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो जो उसके वाटर का करोसिवनेस रहेगा वो बढ़ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के करोजन को प्रिवेंट करता है, बट अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका जो क्या बोलते उसको वाटर होगा वो आपका काफी करोसिव हो जाएगा. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. द डिजाइन शुड बी कंसीडर द मेरिट्स ऑफ अदर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग. ठीक है, इनवर्टेड एरेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपने को जो होता है लिफ्ट कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग जो होता है एरेशन के, वो वाटर को लिफ्ट करना पड़ता है ना. जब तक वाटर को लिफ्ट नहीं करता तो कोई एरेटर में आएगा नहीं, तो उसके लिए उसको लिफ्टिंग का कॉस्ट भी काफी हाई रहता है. ठीक है, एंड फॉर टेस्ट एंड ऑडर रिमूवल. ठीक है, एरेशन इज नॉट हाईली इफेक्टिव बट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद क्लोरीन और एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये इतना ज्यादा टेस्ट और ऑडर को रिमूव नहीं कर सकता, बट कैसा है कि अगर आप इसको क्लोरीनेशन के साथ या एक्टिवेटेड कार्बन के साथ यूज करते हो तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है. सिर्फ अकेले से आप बोलोगे सिर्फ एरेशन ही ऑडर एंड टेस्ट को रिमूव कर सकता, नहीं, सिर्फ अकेले रिमूव नहीं कर सकता इसको कि और किसके साथ अगर आप इसको और किसके साथ अगर आप इसको यूज करते हो तो इन दैट केस वो चीज काफी हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल है. तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. देखो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कल के क्लास में. तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, इसका लॉग बेस ले लिया, लॉग बेस 10 लिया. ठीक है, लॉग बेस 10 सी एस माइनस सी टी माइनस सी एस माइनस सी जीरो लॉग बेस 10 के माइनस के एल ए टी अपॉन 2.0. ठीक है, उन्होंने ऐसा किया है तो इसका लॉग ले लेना. ठीक है, तब आपको सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम. ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका है. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस इरेशन टेस्ट. एक वाटर का सरफेस इरेशन टेस्ट किया हम लोगों ने. ठीक है, तो उसमें एक डेटा मिला है, टाइम और डीओ कंसेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर. तो 4 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो उसमें डीओ आपको इतना मिला. ठीक है, यूजिंग दिस डेटा डिटरमाइन द केएलए वैल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग लीनियर रिग्रेशन. तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन करना है, उसमें हम लोग करना है. टेम्परेचर ऑफ वाटर जो आपका है वो है 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब कैसे करोगे देखो इसको. आपको ये इक्वेशन आपको मैंने वहां पर कराया था. ठीक है, वो इक्वेशन को आपको रीराइट करना है एंड लॉग के फॉर्म में लेना है. लॉग सी एस माइनस सी टी लॉग सी एस माइनस सी जीरो माइनस के एल ए. जब आप वैसा करोगे तो इस फॉर्म में वो रिड्यूस होकर आ जाएगा. ठीक है, ये आपका इक्वेशन इस फॉर्म में, अगर आप उसे लॉग लोगे तो लॉग बेस 10 किस फॉर्म में लोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, फिर आपको डिटरमाइन सी एस माइनस सी टी. आपको सी एस माइनस, तो अगर आप देखोगे ये ग्राफ जो आपका रहेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर है. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. आपका C क्या रहेगा, C आपका इंटरसेप्ट रहेगा ये वाला, और आपका M जो स्लोप रहेगा, स्लोप कौन सा रहेगा आपका, स्लोप का रहेगा ये KLA अपॉन 2.303. ये आपका रहेगा ग्राफ का स्लोप. क्या रहेगा आपका, ग्राफ का स्लोप रहेगा. ठीक है, ये आपका स्लोप रहेगा. तो आपने को KLA निकालना है. तो अगर अपन ने ग्राफ का स्लोप, अगर अपन ने अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y = mx + c, तो अपने को स्लोप चाहिए. तो अपने को स्लोप में कौन सा वैल्यू मिलेगा, KLA अपॉन 2.303 मिल जाएगा. ठीक है, अगर अपने को ये वैल्यू मिल जाएगा तो अगर अपन 2.3 अगर वो स्लोप KLA अपॉन 2.303, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्लोप रहेगा. क्या रहेगा आपका, स्लोप रहेगा. ये आपका स्लोप रहेगा. अगर मुझे जो स्लोप मेरे को मिला, ठीक है, जो मेरे को स्लोप मिला ग्राफ से, अगर मैंने KLA को उससे मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, स्लोप को मैंने अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे KLA की वैल्यू मिल जाएगी. वो किस पे मिलेगी मेरे को, जो भी टेम्परेचर पे दिया हुआ है वो. ठीक है, वो मेरे को मिल जाएगा. एंड अब आप देखोगे तो मुझे सी एस माइनस सी टी पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कि मेरे को सी एस माइनस सी टी को टी के साथ प्लॉट करना पड़ेगा, और सी एस माइनस सी टी को मेरे को निकालना पड़ेगा, और सी एस माइनस सी टी वर्सेस टी को कौन से ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, सेमी लॉग पे करना पड़ेगा.
ठीक है सेमी लॉक पे। तो क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा वैल्यूज चेंज रहेंगे, टेस्ट मत लो ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, जब वैल्यूज चेंज रहेंगे कुछ भी रहेगा आपको सेमी लॉक पेपर पे करना है ठीक है ना। सेमी लॉक पता है ना आपने सॉइल में करा होगा, सॉइल में आपने किया होगा वो ड्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ठीक है, तो वही सेमी लॉक के पेपर में आपको ये करना है ठीक है। और ये देखो ये सी एस जो अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ये अपेंडिक्स ई का बोला है तो 10.17 मिलीग्राम पर लीटर ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा ठीक है ना। इसमें मैंने दिया, इसमें मैंने डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन उठाया ना तो दिया नहीं है, बट ये सी एस इज 10.17 मिलीग्राम पर लीटर वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको अभी देखो अभी आपको सी एस पता है ना, तो सी एस क्या आपका सी एस तो आपको पता है 10.17 ठीक है, 10.17 आपका सी एस है ठीक है। देखो आपका सी एस ये ठीक है, तो ये डीओ कॉन्सेंट्रेशन जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है ये आपका सी टी है, ये क्या आपका सी टी है ठीक है, तो ये आपका सी टी है। तो आपको सी आपको 10.17 माइनस 0.8, 10.17 माइनस 1.8, 10.17 माइनस 3.3, 10.17 माइनस 4.4, आपको सी एस माइनस सी टी मिल जाएगा। तो आपको जो टेबल अभी आगे तो ये आपका सी एस माइनस सी टी हो जाएगा, तो आपने उनसे हर एक को माइनस कर दिया तो आपको 9.35, 2.8 तक को मिल जाएगा ठीक है। तो हर एक टाइम पे आपको सी एस माइनस सी टी आपको मिल जाएगा ठीक है, 10 से आप माइनस करते रहोगे तो आपको सब वैल्यूज मिल जाएंगे, समझ में आया। उसके बाद आप सी एस माइनस सी टी को प्लॉट करोगे तो कौन सा एक्स एक्सिस पे आएगा, टाइम, क्योंकि टाइम आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वो एक्स पे आएगा ठीक है, और सी एस माइनस सी टी आपका कुछ में आएगा वाई पे आएगा ठीक है। यह ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है ना। तो आपका जो सी एस माइनस सी टी सी एस माइनस सी टी जो आपका रहेगा वो आपका किस पे आएगा, वो आपका आएगा एक्स एक्सिस पे आएगा, टाइम आपका वाई एक्सिस पे आएगा ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना इसमें, क्योंकि आपका लॉग वाला प्लॉट जो रहेगा ठीक है, लॉग वाला प्लॉट जो रहेगा वो आपके एक्स एक्सिस पे आएगा, टाइम आपके वाई एक्सिस पे आएगा ठीक है, क्योंकि सी एस माइनस सी टी आपका जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम आपका जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है ठीक है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका इसके ऊपर आएगा ठीक है, और आपका ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाएगा ठीक है ना, ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ पास करवाना है पॉइंट से ठीक है, और इसका स्लोप निकलवाना है ठीक है। इसका स्लोप आप कैसे निकाल लोगे, उसका स्लोप आपका के एल ए 2.303 लॉग बेस सीट वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है, वो आप कर लोगे ठीक है। तो उससे आपको 60 आपको सॉरी वाई एक्सिस पे आपका वाई एक्सिस पे सी एस माइनस सी टी, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा ठीक है। तो ये आपका ऐसा निकल जाएगा, देखो स्लोप कैसे निकालो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कर लोगे ठीक है। तो लॉग बेस लॉग सी टू सी कोई भी आप पॉइंट ले लेना, कोई भी पॉइंट लेके आप क्या कर लोगे, स्लोप निकाल लेना ऐसे ठीक है ना। तो देखो ये जो स्लोप रहेगा तो ये वाई का जो रहेगा ये लॉग के टर्म में रहेगा, फिर आपने टी टू माइनस टी वन करते हो तो आपको मिल जाएगा ठीक है ना। जैसे आप नॉर्मली करते हो ग्राफ में वैसे आपको करना है ठीक है। आपको ग्राफ निकल जाएगा इनटू 60 करना पड़ेगा इसमें ठीक है। तो आपको के एल ए एट 15 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा ठीक है। तो 2.30 जो आपका स्लोप आया उस स्लोप से आप 2.30 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2.30 मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा स्लोप ठीक है। ये टाइम मिनट्स में, ये 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है आवर्स में कन्वर्ट किया। फिर आपको के एल ए 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आपको फॉर्मूला याद है के एल ए, वो फॉर्मूला आपको याद है, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है 1.91, 1.024, 20 माइनस 15 ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला जो फॉर्मूला यूज किया है वो बताता हूं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। देखो ये वाला फॉर्मूला ठीक है, ये वाला, तो आपको के एल ए 20 आपको 15 पे निकालना है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ठीक है। आपको 15 पे पता है, आपको 15 पे निकालना है, 15 पे 20 पे निकालना है ठीक है। तो 15 पे आपको पता है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो ठीक है, समझ में। सेम उन्होंने भी वही किया है एक्चुअली, देखा जाए तो ये ग्राफ बना के फिर करना है ठीक है। केएल 1.91 1.024 इनटू 10 to 20 raised to 20 minus 5 ठीक है, 20 minus 15 ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है ठीक है। सो समझ में आपको, दिस इज दी
way of solving the question of calculating the KLa value. And ye KLa value kya hota hai aapka? Liquid film coefficient. It is the KLa value. It is the liquid film coefficient. जो कि और उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी हम लोग उसको बोलते हैं. दैट इज अ केएलए वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस तक में. ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ठीक है, मंडे को हम लोग डिजाइन करेंगे एरेटर का, कैस्केड एरेटर एंड द डिजाइन ऑफ दैट स्प्रेड एरेटर. ठीक है, उसको लोग कर लेंगे. सो मैं अटेंडेंस का लिंक फॉरवर्ड करता हूं आपको फर्स्ट. Okay. So please fill up the attendance first. So आज solid waste management का lecture नहीं होगा, ठीक है? 1 PM को, ठीक है? We will commence the lecture on Monday, ठीक है? Monday को हमारा lecture हो जाएगा. So Monday को हम लोग lecture करेंगे हमारा solid waste का, ठीक है? और इसका हम लोग सुबह कर लेंगे 10 AM को, ठीक है? 10 AM को सुबह कर लेंगे इसका, इसका lecture water का, ठीक है? तो हमारा एरेशन वाला पार्ट रहेगा यूनिट नंबर 5 का, वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे एड्सॉर्प्शन के ऊपर. एड्सॉर्प्शन के ऊपर एक दो लेक्चर, कम से कम 2 से 3 लेक्चर इसके लगेंगे एड्सॉर्प्शन के ऊपर. और फिर फोटो कैटालिसिस के ऊपर 3 लेक्चर लगेंगे, 3, 2, 5, 2, 7. ठीक है, और एक दो लेक्चर अपने को इसको लगेंगे, तो जो छोटे छोटे टॉपिक है फ्लोराइड रिमूवल एंड ऑस्मोसिस के ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर. ठीक है, उसके ऊपर लग जाएंगे, तो हमारा यूनिट नंबर 5 कम्प्लीट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, ओके, गुड डे एवरीवन. Thank you very much.